यार भाई लोग कैसे हो। होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। और भाई फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 58 आ चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 58 को कवर करेंगे। और हाँ बता दूं कि मैं मांगा के ज़्यादा इमेजेस यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि शायद तुम लोगों को पता है कि मांगा के इमेजेस यूज़ करने से कॉपीराइट आ सकता है। तो यार बिना देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ही हमें यह दिखाया जाता है कि वो तीनों लड़की बेहोश होकर पड़े हैं। चैप्टर 57 में हमने देखा था कि ये तीनों लड़की फ्यूज होकर एक मोटी भद्दी और जाइंट आंटी में बदल जाते हैं, और उस आंटी को गोकू एक लात मारता है। चैप्टर 57 वहीं पे खत्म हो गया था। तो चैप्टर 58 में हमें पता चलता है कि गोकू के लात खाने की वजह से वो मोटी आंटी डिफ्यूज हो गया और ये तीनों लड़की बेहोश हो गए। और इसके बाद गैलेक्टिक पेट्रोल वाले वहाँ पे आ जाते हैं और इन तीनों लड़कियों को ले जाते हैं। और मास्टर रोशी गैलेक्टिक पेट्रोल वाले को बोलते हैं इनको ध्यान से ले जाओ। देखो मैं इस बुड्ढे के ठग के बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी गोकू ग्रिलेन से पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ है। ग्रिलेन गोकू को अर्थ की सिचुएशन को समझाता है कि कैसे मोड़ के आर्मी ने धरती के अलग अलग जगह पे अटैक कर रहे थे और उनको रोकने के लिए जी फाइटर्स आपस में बट गए और हम लोग अलग अलग मोड़ के आर्मी से लड़ रहे थे। तभी गोकू बाकी के जी फाइटर्स की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। तभी ग्रिलेन उसको रोक के पूछता है कि क्या तुम मोड़ को हरा सकते हो गोकू। तभी गोकू बोलता है कि मैंने ये ट्रेनिंग मोड़ को हराने के लिए ही किया है। जिसके बाद गोकू बोलता है कि मोरो एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट है और हो सकता है कि उसके पास अभी भी कोई हिडन पावर छुपा हुआ हो। तभी ग्रिलेन बोलता है कि क्या तुम परेशान हो गोकू, कि क्या तुम मोरो को हरा सकते हो कि नहीं इस बात के लिए। तभी गोकू बोलता है कि मैं उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड हूँ, और इतना बोल के ही वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद गोकू टीएन यामचा और चाचू के बीच में पहुंच जाता है। यहाँ पे ये तीनों वो बिना बाल वाले एलियन से लड़ रहे थे और गोकू बहुत ही आसानी से इसको डिफीट कर देता है। तभी गोकू यामचा से बोलता है कि क्या बाकी सारे प्रिजनर्स को तुम लोगों ने हरा दिया है। तभी यामचा बोलता है कि हाँ हम लोगों ने सभी प्रिजनर्स को हरा दिया है, पर मुझे लगता है कि गोहन को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। गोकू वहां से भी चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेन बैटलफील्ड में एंड्रॉइड 17 और 18 बहुत ज्यादा घायल है और गोहन और पिकोलो मोड़ के इस नए चमचे से अभी भी लड़ रहे थे। गोहन और पिकोलो अपना कॉम्बाइंड अटैक भी करते हैं और सकाम्बो यानी कि मोड़ का ये नया चमचा ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए गोहन और पिकोलो का कॉम्बाइंड अटैक भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। उसके बाद गोहन और पिकोलो मिलकर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है और इतने पावरफुल अटैक से भी सकाम्बो को कुछ भी नहीं होता। शायद सकाम्बो सोलो वर्सेस जो खेलता है, और इस ब्लास्ट से भी सकाम्बो को कुछ भी नहीं हुआ यानी कि मोड़ के इस नए चमचे को कुछ भी नहीं हुआ। ये देख के हमारे सारे के सारे जी फाइटर्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं, तक कि जैको भी। और जैको सकाम्बो को बोलता है सकाम्बो तू तो बहुत ही ताकतवर है, तो क्या तेरे अंदर कोई प्राइड नहीं है, तू मोड़ो के लिए क्यों लड़ता है और उसको हार बात क्यों मानता है। तभी सकाम्बो बोलता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल वाले उसको काफी टाइम से उसे जेल पे रखे थे, मोड़ो ने उसको बाहर निकाला और वो गैलेक्टिक पेट्रोल के जेल से इतना ज्यादा चिढ़ चुका था कि वो अब कभी भी जेल में वापस नहीं जाना चाहता, जिसके लिए वो किसी के ऑर्डर को भी मान सकता है। तभी जैको बोलता है कि अरे तू तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया रे सकाम्बो। इस बात से सकाम्बो गुस्सा हो जाता है और सकाम्बो बोलता है कि क्या कहा तुमने, और वो जैको की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जैको बोलता है अरे सकाम्बो ये तो बस मजाक था, रुक जा भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था। सकाम्बो जैको की तरफ बढ़ने लगता है, तभी अचानक मोड़ो के इस चमचे के ऊपर कोई अटैक कर देता है। पहले कोई उस पर लात मारता है और उसके बाद उस पर कोई पेट में घुसा मार देता है। ये बंदा इतना तेज है कि बैटलफील्ड में कोई भी इसको देख नहीं पाता, पर मोड़ो जैको और गोहन ये तीनों समझ जाते हैं कि गोकू बैटलफील्ड में आ चुका है। जिसके बाद गोकू मोड़ो के इस चमचे के ऊपर एक और अटैक करता है और गोकू मोड़ो के पीछे आ जाता है। मोड़ो गोकू को देख के ये समझ जाता है कि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मोड़ो गोकू को बोलता है कि मुझे देखना है कि तुम कितना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, और वो फिर से सकाम्बो को कुछ एनर्जी दे देता है। सकाम्बो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो अब गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और गोकू गोहन और पिकोलो के पास चला आता है जहाँ पे इन तीनों के सामने सकाम्बो खड़ा होता है। तभी गोहन और पिकोलो बोलते हैं कि हमें माफ कर देना, हम लोग धरती को बचा नहीं पाए क्योंकि हम लोग कमजोर थे। तभी गोकू बोलता है कि मुझे भी माफ कर देना, मुझे पहले ही इधर आना चाहिए था, अब मुझे इसको अकेले हैंडल करने दो, और पिकोलो और गोहन वहां से चला जाता है। तभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में और सकाम्बो से लड़ने लगता है, पर इस बार भी सकाम्बो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वो डिफीट हो जाता है। तभी मोड़ो फिर से सकाम्बो को थोड़ी एनर्जी दे देता है, जिससे सकाम्बो फिर से खड़ा होता है और गोकू से लड़ने लगता है। तभी गोकू मोड़ो से बोलता है कि बस करो मोड़ो, सकाम्बो की बॉडी और ताकत झेल नहीं पाएगा, पर मोड़ो गोकू की बात नहीं सुनता और उसको एनर्जी दे देता है, जिससे सकाम्बो फिर से खड़ा होता है और गोकू से लड़ने लगता है, पर इस बार भी मोड़ो का चमचा कुछ भी नहीं कर पाता। और मोड़ो बोलता है कि मुझे वो टेक्निक दिखाओ गोकू जो तुमने कुछ देर पहले यूज किया था, और जैसे ही सकाम्बो हार जाता है वैसे ही मोड़ो फिर से उसको एनर्जी दे देता है, पर इस बार सकाम्बो की बॉडी उस ताकत को झेल नहीं पाता और गोकू टेलीपोर्ट होकर मोड़ो के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है।
अलमोड़ो बहुत ही आसानी से गोकू के अटैक को रोक लेता है और इधर हम देखते हैं कि सकंबो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और शायद वो मर चुका है। इतनी ताकत सकंबो झेल नहीं पाया। तभी गोकू मोरो को बोलता है कि तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मोरो बोलता है, दोस्त? वो तो बस मेरे फौज का एक प्यादा था, उसके साथ क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से अपनी फौज तैयार कर लूंगा। तभी गोकू बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें वो टेक्निक दिखाने के लिए तैयार हूँ। और गोकू तब पावर डाउन कर लेता है और फिर से पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओमनी अल्ट्रा इंस्टेंट में। और इस फॉर्म को देख के गोहन और पिकोलो काफी हैरान होते हैं और मोरो भी थोड़ा बहुत हैरान होता है। और मोरो गोकू को बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी मॉर्टल का टेक्निक है। तभी गोकू बोलता है कि हाँ ये गॉड्स का टेक्निक है। और यही पर चैप्टर 58 खत्म हो जाता है। तो भाई लोग यही था चैप्टर 58 का फुल स्टोरी। चैप्टर 58 का स्टोरी तुमको कैसा लगा ये चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, और वीडियो को अपने एनिमी दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को। तो यार यही था आज का वीडियो, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।